हाँ जी, किदा क्या हाल है सबके? अच्छा एक सेकंड, हाँ जी, तो सबसे पहले ये बात बता दूं आप लोगों को कि मैंने अपने एंटीबॉडी का टेस्ट करवा लिया है एंड आई हैव क्रॉस्ड द लिमिट ऑफ एंटीबॉडी, सो आई एम वेरी सेफ एंड आई एम ऑल गियर्ड अप टू लीव द हाउस। तो चलो देखते हैं, बिकॉज आई हैव टू कुछ ऑफिस के काम वाम है, कुछ करने हैं ज़रूरी जो हैं, वो चलो करते हैं। कैब ड्राइवर्स से लेके शॉप ओनर्स, नोबडी वेस्ट दिस डेज। आई मीन व्हाट इज हैपनिंग? ऐसे केसेस नहीं बढ़ेंगे तो और क्या होगा? 90,000 केसेस आ रहे हैं इंडिया में, मतलब सीरियसली यू कैन लिटरली काउंट द नंबर ऑफ पीपल हु आर वेयरिंग मास्क, और बाकी किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। इट्स लाइक लोग ढूंढने निकले हैं कोविड है कहाँ, चलो ढूंढते हैं, पकड़ के मारेंगे साले को। देखो गाइस, ये दिखाना चाह रहा था मैं, क्या कोविड खत्म हो गया क्या? क्लस्टर्स में लोग बैठे हैं, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ यार। यू कैन लिटरली काउंट द नंबर ऑफ पीपल हु आर वेयरिंग मास्क। मैं कुछ ऑफिस के काम से आया हुआ हूँ और ये देखो जी, पीछे भी मेरे बंदे बैठे हैं। Like I had said in my previous video, nobody is wearing masks. I mean, how does it work? देगा नहीं, केसेस बढ़ेंगे नहीं तो और क्या होगा? This is what this country is up to. बाकियों ने किसी ने नहीं पहना। मुझे आप लोगों से ये बात करनी थी क्योंकि I myself have been a COVID patient and I know what क्या होता है, कितनी problems होती हैं, पेरेंट्स से दूर रहना पड़ता है, किसी से मिल नहीं पाते हो, दो हफ्ते 14 डेज आइसोलेशन में जाना पड़ता है, कुछ नहीं कर पाते हो आप, और इतनी दिक्कतें आती हैं, कोई कोविड पेशेंट से पूछ सकता है सिर्फ, जो अभी रिकवर हो चुका हूँ मैं, इसलिए मैं घर के बाहर निकला हूँ, वरना मैं तो 21 डेज तक रूम के अंदर था, उसके बाद 7 डेज तक घर के अंदर था, उसके बाद फाइनली अभी मैं ऑलमोस्ट 1 महीने 10 दिन के बाद घर से निकला हूँ फाइनली ऑफिस के काम करने। तो यार ये क्या हो रहा है, मतलब इतने इरिस्पॉन्सिबल लोग कहाँ से आ रहे हैं? ऐसे केसेस बढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा? 90,000 केसेस पर डे, 90,000 प्लस केसेस पर डे इंडिया में रोज के रोज आ रहे हैं, और लोग इतने इरिस्पॉन्सिबिलिटी घूम रहे हैं, क्लस्टर्स में घूम रहे हैं, क्राउड करके घूम रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर हाथ रख के घूम रहे हैं, और इतना तक नहीं कि मास्क पहन ले। ठीक है, सबको काम करना है, सबने लाइफ जीनी है, एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का नाम तक नहीं है, नाम और निशान नहीं है कहीं पे, कम से कम मास्क पहन लो यार। आई एम प्रिटी श्योर ये लोग हैंड सैनिटाइज भी नहीं करते होंगे यार। आई एम नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड ये क्या चल रहा है इंडिया में। और फिर लोग बोलते हैं कि कोरोना के केसेस कम नहीं हो रहे, कम नहीं हो रहे, केसेस कम नहीं हो रहे। कैसे होंगे केसेस कम? आप एक दूसरे से चिपक चिपक के घूम रहे हो, आप मास्क पहन नहीं रहे हो, बाइक्स में ट्रिपलिंग कर रहे हैं लोग,
बाइक्स पे ट्रिपलिंग कर रहे हैं मास्क के बिना, मतलब समझ सकते हो बाइक पे कितने पास बैठना पड़ता है, हद हो गई है यार। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इंडिया की ऐसी हालत चलती रही तो क्या कोरोना खत्म होगा या बढ़ता रहेगा। वी नीड टू टेक केयर। ये ठीक है हर्ड इम्यूनिटी इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ भी करो आप। व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड्स आते थे पहले कि आप यू कैन फाइट कोरोना बाय ये नुस्खे हैं वो नुस्खे हैं सब होम रेमेडीज वो सब ठीक है लाइक बट डज नॉट मीन कि आप ऐसे अपने आप को खुलेआम जाके बोलोगे हाँ आ जा हमारे पास मतलब होम रेमेडी है तो हम रेडी हैं आ जा कोविड आ जा कोरोना आ जा। यार कोरोना वायरस डिजीज है लोगों को मार चुका है, इतने करोड़ों लोग मर चुके हैं दुनिया में, समझो इस बात को। मैं खुद एक कोविड पेशेंट हूँ, मैं कितने मुश्किल से मैं सफ़र कर करके मैं ठीक हुआ हूँ, ना अपने पेरेंट्स से मिल पाया मैं 21 दिन, ना मैं अपने डॉगी से मिल पाया 21 दिन, ना अपने रूम से निकल पाया 21 दिन। इट इज़ नॉट ईजी एक बार आपको हो जाए तो, आप कोई बात समझ नहीं रहे इंडिया में कैसे चलेगा। मतलब प्लीज़ जो भी ये वीडियो देख रहा है इस चीज़ को शेयर करो, क्योंकि इस चीज़ में आप लोगों ने भी देखा है, मैंने आपको वीडियो दिखाई है। वॉट आई डोंट नो वॉट टू से, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, जैसे मैं हर वीडियो के एंड में बोलता हूँ, बट दिस इज़ रियली अलार्मिंग। मैंने तो यार मुझे कोविड होके ख़त्म हो गया है, लोग मुझे कह रहे हैं मास्क पहनने की भी ज़रूरत नहीं मुझे, लेकिन मैं फिर भी पहनूंगा, मैं फिर भी प्रिकॉशंस लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे फिक्र है अपने पेरेंट्स की। आप किसको फिक्र नहीं होती अपने पेरेंट्स की, वही घूम रहा है ऐसे कि आप बताओ मुझे किसको फिक्र नहीं होती पेरेंट्स की, आपको फिक्र है आपके पेरेंट्स की, बूढ़ों की, बूढ़े लोग जो हो गए हैं। तो यार कुछ करो इसके बारे में, ऐसे घर बैठे बोलने से नहीं होगा कि कोविड कब खत्म होगा, वैक्सीन कब आएगी। दुनिया भर में वैक्सीन बन रही है वैक्सीन, ठीक है, लेकिन उससे आने में अभी बहुत टाइम है। 2021 से पहले नहीं आने वाली है वैक्सीन, और तब तक आप घर बैठोगे नहीं, आप निकलोगे घर से पक्की बात है। और एटलीस्ट मास्क पहन के निकलो, एटलीस्ट प्रिकॉशंस लो जो WHO के द्वारा दिए गए हैं। हद हो गई है यार, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कर रहे हैं, किस बात पे लोग इतने ओपन हो गए हैं कि कोरोना वायरस है। ऐसा लग रहा है लोग ढूंढने निकले कि कोरोना वायरस कौन है, दिखा हम मारते हैं उस चीज़ को। मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से। आज मैंने सोचा था आप लोगों को काफ़ी चीज़ें दिखाऊंगा, लेकिन दिमाग मतलब बूम, समझ रहे हो। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ हो सके तो शेयर दिस विद पीपल हु यू थिंक आर इरिस्पॉन्सिबल इनफ टू नॉट वेयर मास्क एंड गो आउट इन द ओपन। प्लीज़ डू दिस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, एंड टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, टेक केयर ऑफ एवरी वन अराउंड यू, बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस, एंड आई शैल सी यू रियली रियली सून।